यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार के इतिहास में जब जब धर्म की ग्लानि की अवस्था आई है तब तब परम पुरुष को विशेष शक्ति का संप्रयोग करना पड़ा है, पापियों के ऊपर प्रचंड आघात करना पड़ा है। साधारण मनुष्य के लिए इस प्रकार का आघात करना संभव नहीं होता। आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व सदाशिव के द्वारा जो प्रचंड दिव्य स्पंदन उद्भूत हुआ वह व्यापक आध्यात्मिक स्पंदन आज भी धरती की छाती में धड़कन बनकर छाया हुआ है। अतः लगभग 3500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ था। वे भी महासंभूति थे, वे भी पृथ्वी पर एक विराट स्पंदन उद्भूत करने और संसार को एक नवीन पथ निर्देश करने आए थे। आए हो तुम
के बाद प्यारे। इजोर नहीं है अमावस्या, है नहीं मेरी तपस्या, इजोर नहीं है अमावस्या। रह गई सिर्फ एक ही चिकित्सा, रह गई सिर्फ एक ही चिकित्सा। बनु चरण रज कण तुम्हारे, युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। पपीहा बोले कोयल बोले, बोलते हैं मोर मोरे, युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। आए हो तुम युगों के बाद प्यारे। कंस अत्यंत दुराचारी राजा था। उसके शासन काल में पाप और अधर्म चरम सीमा पर था। धरती को पापियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए उस युग के सर्वश्रेष्ठ महात्मा गर्ग महासंभूति के आविर्भाव के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे।
गर्ग कंस को एड़ी से चोटी तक पहचानते थे। गर्ग भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के अपने भाई थे। कृष्ण के जन्म लेते ही गर्ग ने ध्यान बल से जान लिया कि इसी नवजात शिशु के द्वारा कार्योद्धार होगा। उन्होंने ही इस शिशु का नाम रखा कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण।
श्री कृष्ण ने कारागृह के द्वार रक्षक और ब्रज में आकर नंद यशोदा में भी शक्ति और साहस भर दिया। वृंदावन के गोपगण कृष्ण को बहुत प्यार करते थे। वे कृष्ण के इतने अंतरंग सखा थे कि वे उनकी महिमा जानते ही नहीं थे। वे श्री कृष्ण को ब्रह्मचक्र का नियामक प्राम पुरुष पुरुषोत्तम कैसे मानते। वे उन्हें अपना अभिन्न बंधु समझते थे। वे क्या जाने कि विश्व सृष्टि का प्राण केंद्र भी कुछ होता है, पुरुषोत्तम तत्व भी कुछ चीज है। ये ऊंची ऊंची बातें वे गाय भैंस चराने वाले क्या समझे। वे बस इतना जानते थे कि कृष्ण कन्हैया उनका सबसे प्रिय प्रियतम प्राण सखा है। ब्रज से अक्रूर के साथ प्रस्थान काल में गोपियां रथ के चक्के के सामने लेट गईं। वे कृष्ण को जाने नहीं देंगे। वे इतने पर समझौता करने को तैयार हुईं कि कृष्ण कह दें कि वे फिर लौटकर वृंदावन आवेंगे, परंतु कृष्ण तो जानते थे कि वे लौट कर ब्रज नहीं आवेंगे। उन्हें तो बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए उन्होंने भावुक भक्तों को भावमयी भाषा में कहा, मेरा शरीर ब्रज से दूर रह सकता है, पर मेरा मन सदा ब्रज की धूल में लौटता रहेगा। बस इस भाव प्रवचन मधुरिमा ने भक्त गोप गोपियों को गदगद कर दिया। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। पश्यामि यत् यदा यदा व्रज भावं न विस्मरामि। पादमेकं न गच्छामि। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छामि। वदन्तु यद् महाजनाः, निन्दन्तु यद् नीतिनिपुणाः। वदन्तु यद् महाजनाः, भासन्ते यद् प्राज्ञजनाः। भावगोकुले तिष्ठामि, पादमेकं न गच्छामि। वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं।
गच्छामि। प्रकटो हम एवं वदामि पादमेकं न गच्छामि। वृंदावनं परित्यज पादमेकं न गच्छामि। वृंदावनं परित्यज पादमेकं न गच्छामि। पश्यामि यत् यदा यदा व्रजभावं न विस्मरामि। पादमेकं न गच्छामि। वृन्दावनं परित्यज पादमेकं न गच्छामि। वृंदावन से कृष्ण के जाने के बाद भी गोप गोपियाँ हर पल हर क्षण उन्हीं को स्मरण किया करती थीं। वृंदावन के वन कानन, यमुना के काले नीर एवं ब्रज के हर व्यक्ति के मन में एक मोहन ही रमता है। चाहे
यज्ञ की सहायता से ही कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस का वध किए बिना धर्म संस्थापना और महाभारत का संगठन, कृष्ण के ये दोनों महान कार्य चरितार्थ नहीं हो सकते थे। उस समय जाट और आभीर प्रायः लड़ बैठते थे। कृष्ण ने इन दोनों को संगबद्ध करने की योजना बनाई। महाभारत की यह पहली सीढ़ी थी। उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह कराया। महाभारत के युद्ध में कौरवों का विनाश ही मुख्य उद्देश्य था। कृष्ण के इस प्रकार के कृत्य सामान्य नीति सम्मत नहीं थे, पर कृष्ण ने कभी भी नीति धर्म के मौलिक तत्वों का उल्लंघन नहीं किया। श्री कृष्ण ने सामाजिक ग्लानि और दुर्बलता को दूर कर सामाजिक देह में शक्ति का संचार किया था। उन्होंने अर्जुन में शक्ति संपात के द्वारा उसके मानस द्वंद को दूर किया था। हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाहुओं में इतना दम नहीं जिससे कि मैं अपने ही परिजनों के ऊपर बाण चला सकूं। मैं ऐसा राज प्राप्त करके क्या करूंगा जिसको पाने के लिए अपने ही गुरुजनों एवं परिजनों का लहू बहाना पड़े। इस युद्ध के परिणाम को सोचकर मेरे इन हाथों से ये गांडीव छुटा जा रहा है, छुटा जा रहा है, छुटा जा रहा है। तुम किस परिणाम की चिंता कर रहे हो? इस युद्ध की समाप्ति तो मैंने पहले ही कर दी है। ये सभी योद्धा, रथी, महारथी जो तुम देख रहे हो वो सब मृत है। तुम्हें तो सिर्फ इन पर बाण चलाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसके फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। महाभारत में असंख्य पात्र थे। बड़े बड़े राजा, महाराजा, योद्धा, रथी और महारथी थे, पर वे सभी व्यक्ति यथार्थ में अस्तित्वहीन थे, मानो कठपुतली की तरह। ये सभी पात्र महाभारत के नायक श्री कृष्ण के इशारे पर नाचते थे। सारे महाभारत में एक ही व्यक्तित्व छाया हुआ है, वह है श्री कृष्ण का। कृष्णोस्ति पुरुषो
युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र हो गया महाशमशान, वहां चारों तरफ शव देह पड़े हुए थे। वहां गांधारी पहुंच गई, सब रो रहे हैं। कृष्ण वहां पहुंचकर गांधारी से बोले, मां तुम क्यों रो रही हो? दुनिया का तो यही नियम है, तुम भी चली जाओगी, क्यों रो रही हो तुम? दे रहे हो, तुम क्यों ये सब बोल रहे हो? ये तो ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? अगर तुम साजिश नहीं करते तो हमारे इतने बेटे नहीं मरते। लड़ाई तो अनिवार्य थी पाप के क्षय के लिए, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हे कृष्ण, तुम तो तारक ब्रह्म हो, अगर तुम चाहते तो बिना युद्ध के ही इन लोगों का मानसिक परिवर्तन नहीं ला सकते थे? बात तो सही है, किंतु कृष्ण को मतलब था दुनिया को दिखलाना कि पाप की हार होती ही है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। अगर बिना लड़े मानसिक परिवर्तन हो जाता तो दुनिया को शिक्षा नहीं मिलती। कृष्ण कुछ नहीं बोले। हे कृष्ण, मैं तुम्हें अभिशाप देना चाहती हूँ। जिस तरह मेरी आंखों के सामने मेरा वंश नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त हो गया, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा यदुवंश नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त हो जाए। तथास्तु। उस युग में जब यान वाहन की सुविधा नहीं थी, छिन्न विछिन्न भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत रचना की परिकल्पना की थी। आज विश्व उतना बड़ा नहीं रह गया है, इसलिए आज महाभारत की नहीं महाविश्व की रचना परिकल्पना द्वारा करनी होगी। इसके पीछे जो विशेष तत्व काम करेगी वह है कि विश्व के सभी मनुष्य उस परम पुरुष की संतान है, इसलिए सबको मिलजुल कर रहना ही होगा। तुम लोगों का यह फर्ज है कि जल्द से जल्द तुम लोग महाविश्व बना लो। दुनिया में सुख होगा, शांति होगी और
एक अखंड आदर्श लेकर मानवता की प्रगति होगी। Thank you.